दुर्गा पूजा से पहले ईसीएल समेत कोल इंडिया के कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल ईसीएल समेत कोल इंडिया के कर्मियों के लिए वर्ष 2024 के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड अर्थात बोनस तय हो गया है। दरअसल कोल इंडिया के 2,42,000 कर्मचारियों को इस साल 93,700 रुपए पूजा बोनस मिलेगा। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कोल इंडिया के कर्मचारियों के बोनस में 8,250 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यह फैसला नई दिल्ली में कोल इंडिया प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच हुई बैठक में लिया गया। कोल इंडिया को वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 37,369 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है, जिसके आधार पर कोल इंडिया के कर्मियों के लिए बोनस तय किया गया। बताया जाता है कि 9 अक्टूबर से पहले कोयला कर्मियों को पूजा बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा। कोल इंडिया और इसकी अनुसंगी कंपनियों में लगभग 2,17,000 कोयला कर्मियों के बीच लगभग 2,050 करोड़ रुपए बोनस की राशि का भुगतान किया जाएगा। बोनस का सबसे ज्यादा पैसा झारखंड के कोयला कर्मियों को लगभग 750 करोड़ रुपए मिलेगा। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में ईसीएल समेत कोल इंडिया के कर्मियों को लगभग 85,500 रुपए बोनस का भुगतान हुआ था। बताया जाता है कि रविवार को नई दिल्ली में आयोजित हुई मानकीकरण समिति की बैठक में ट्रेड यूनियनों ने 1,50,000 रुपए पूजा बोनस का प्रस्ताव रखा था, जबकि कोल इंडिया प्रबंधन ने 85,000 रुपए पूजा बोनस देने की बात कही। इस पर लंबी चर्चा और बहस हुई। बाद में ट्रेड यूनियनों ने 1,25,000 रुपए बोनस देने की मांग की, लेकिन कोल इंडिया प्रबंधन इस पर राजी नहीं हुआ। अंत में कोल इंडिया और ट्रेड यूनियनों के बीच 93,750 रुपए पूजा बोनस पर सहमति बनी। मानकीकरण समिति की बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन पीएम प्रसाद ने की। हालांकि कोयला उद्योग में कार्यरत ठेका श्रमिकों को बोनस के मामले में एक बार फिर निराशा ही हाथ लगी। बताया जाता है कि ठेका मजदूरों को बोनस देने का मुद्दा ट्रेड यूनियनों ने उठाया, लेकिन पहले की तरह रस्म अदायगी भर रह गया। प्रबंधन की ओर से कहा गया कि उन्हें विभागीय कर्मियों की तरह बोनस का प्रावधान नहीं है। आश्वासन दिया गया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अनुसार ठेका श्रमिकों को 8.33% भुगतान किया जाएगा। दीपावली तक ठेका मजदूरों को भुगतान किया जाएगा। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। मोहन द फैमिली स्टोर। बाताशे शिवली फुलेर गंध माने मायर आगमनी, पुजोर केनाकाटा माने मोहन। मोहन द फैमिली स्टोर, आसनसोल रानीगंज। दुर्गा पूजा हो या दीपावली या हो कोई भी उत्सव, कपड़ों की खरीदारी के लिए आपकी पहली पसंद मोहन दी फैमिली स्टोर। एक छत के नीचे फैमिली की संपूर्ण खरीदारी और ब्रांडेड कंपनियों के गारमेंट्स का नाम मोहन दी फैमिली स्टोर, आसनसोल रानीगंज।